Hey friends, welcome once again. I'm your friend Dr. Ali Anwar Qureshi और मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. और आज का टॉपिक एक बहुत ही अच्छा है दोस्तों. आप सभी को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स और मेरे तमाम मित्रों को, मेरे दोस्तों को हैप्पी रमज़ान. रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये हमारा ऐसा एक त्यौहार है जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिल जुल कर हम इस त्यौहार को मनाते हैं फ्रेंड्स. रमज़ान के रोज़े हम रखते हैं और साथ ही साथ जो है हम इस रमज़ान के रोज़े होने के बाद हम ईद भी जो है, ईद-उल-फ़ित्र भी हम जो है साथ मिलकर मनाते हैं फ्रेंड्स. तो दोस्तों, मैं आज जो है आपको रमज़ान के फजीलत के बारे में और रमज़ान के डाइट प्लान के बारे में, रमज़ान में एक्सरसाइज क्या करें, डाइट कैसा फॉलो करें और रमज़ान में क्या क्या करें, उसके कुछ आज टिप्स मेरे तरफ से आपको देने वाला हूँ. अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. हमारे चैनल पर आपको हर टाइप के वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हेल्थ रिलेटेड मिल सकती है. तो रमज़ान में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं और उस टाइम पर हम सहर करते हैं, सहरी करते हैं. उस टाइम पर हम खाना खाते हैं और 5 बजे के बाद, 5-5:30 बजे के बाद हम रोज़ा फास्ट रखते हैं और दिन भर वो फास्ट चलता है. और शाम में 7 बजे के करीब करीब, मगरिब के नमाज के करीब करीब हम वो रोज़ा फास्ट छोड़ते हैं फ्रेंड्स. और दिन भर हम जो है इसमें फास्ट में, रोज़े में रहते हैं. और हमें इस टाइम पर अच्छे काम करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है और अच्छे बातें करना है, अच्छे कर्म करना है और कुरान का तिलावत करना है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है. ये हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह की तरफ से ये हमें गाइडेंस है. रमज़ान की ये फजीलत है दोस्तों. अब मैं आपको बताऊंगा कि सब में पहले तो आप डाइट क्या फॉलो करें रमज़ान में. तो रमज़ान में जब इफ्तार हम करते हैं तब हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं फ्रेंड्स. और वहाँ पर हम खजूर, जो डेट्स कहा जाता है, उसको हम खाते हैं. उससे हम रोज़ा छोड़ते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वहाँ पर खाते हैं. तो ये बहुत अच्छा है, फ्रूट्स हमें खाने चाहिए फ्रेंड्स. अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हम वहाँ पर खाते हैं. बट वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा स्पाइसी और जिस जो ऑयल्स में जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं उसको हमें ज़्यादा अवॉइड करना है फ्रेंड्स. ज़्यादा वो चीज़ें हमें नहीं खानी है. उसके बाद हमें जो है, जैसे ही हम इफ्तार करते हैं तो लगभग 9-9:30 बजे हमें डिनर कर लेना चाहिए फ्रेंड्स. अब डिनर हम 9-9:30 बजे कर लिए फ्रेंड्स, हम तमाम वहाँ पर हमारे नमाज़ें हो जाती है, तरावी भी हो जाती है. तो 9:30 बजे हम डिनर करेंगे तो थोड़ा हमें वहाँ पे टहलना चाहिए फ्रेंड्स, वॉकिंग करनी चाहिए. तो रमज़ान में वॉकिंग कब कर सकते हैं? आफ्टर द नमाज ऑफ तरावी एंड डिनर, लाइट डिनर, यू विल हैव टू प्रोवाइड द वॉकिंग फॉर योर सेल्फ फ्रेंड्स. वहाँ पर वॉकिंग अप कर लिए फ्रेंड्स. अब मैं जिम जो लोग करते हैं, जो लोग एथलीट हैं, जो क्रिकेट, टेनिस वगैरह जो खेलते हैं, आप कभी देखे भी होंगे या कभी सुने भी होंगे, ये लोग जो है रात को 2-3 बजे बीच में उठते हैं फ्रेंड्स. और उस टाइम पे 3 बजे जो है ये लोग 2-3 बीच में जो है वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं. और ये टाइम रमज़ान के एक महीने में जिम बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसमें जितना चाहे उतना आप वर्कआउट, जिम या जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं फ्रेंड्स. बाद में आप एज ऑफ कोर्स यहाँ पे सहर कर ले, नमाज पढ़ ले. और इस टाइम पे भी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो वॉकिंग पे जा सकती है आफ्टर नमाज ऑफ फजर. और बाद में जो है आप आपके रूटीन वर्क कर सकते हैं. यहाँ पर आप दोपहर में सोना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. आपको दोपहर में जो है थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है. नॉर्मल दिनों में और रमज़ान के महीने में आप एक ही काम किया कर सकते हैं. आपकी नॉर्मल दिनों में 11 महीनों में हम जो है मेडिकोस आपको जो है दोपहर के सोने को अवॉइड करने के लिए कहते हैं. बट
रमज़ान में आप दोपहर को सो सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आप रात को जगे हुए रहते हैं, मिडनाइट में आप उठते हैं तो आप दोपहर में थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इस महीने में, इस साल में एक बहुत ही न्यूज़ एक चल रही है कि रूह अफ़ज़ा की बहुत किल्लत हो गई है मार्केट में। तो रूह अफ़ज़ा अगर ना भी मिले तो ठीक है, आप मार्केट से कोई भी रोज़ फ्लेवर का लिक्विड ले सकते हैं या फिर नॉर्मल आप नींबू शरबत भी इस टाइम पे पी सकते हैं। और आज का ये जो रमज़ान है बहुत ही कड़क समर में आया है, तो अपने आप को ख्याल रखिए। हमारा हीट स्ट्रोक का वीडियो बहुत ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, उसको भी फॉलो कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।